आज हम एक सवाल पर अपनी गुफ्तगू को करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सवाल ये है कि इल्म हासिल करने के 5 जराए बयान किए जाते हैं, हवास खमसा जिनको कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को एक ही जैसे हवास खमसा से नवाजा। सवाल ये है कि हर एक का इल्म अलग अलग क्यों होता है, जब जराए एक जैसे हैं, जब जरिया एक जैसा है, जब गेट बराबर है, तो फिर हर एक का इल्म मुख्तलिफ क्यों है, हर एक का इल्म जुदा जुदा क्यों है, हर एक का इल्म नताइज, हर एक के नताइज अलग। किसी के इल्म कुछ नताइज देता है, किसी का इल्म कुछ नताइज देता है, किसी का इल्म नताइज देता है उसे अल्लामा इकबाल कहलाता है, किसी का इल्म उसे नताइज देकर मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से याद कराता है, किसी का इल्म उसे जलालुद्दीन रूमी के नाम से याद करता। तो ये सब जराए तो मेरे पास भी वही है जो उनके पास थे, मैं भी देखता हूँ वो भी देखा करते थे, मैं भी सुनता हूँ वो भी सुनते थे, मैं भी बोलता हूँ आप भी बोलते हैं वो भी बोला करते थे, जराए सबके पास एक जैसे। सवाल ये है कि इल्म क्यों अलग अलग, इल्म अलग अलग क्यों। याद रखे जुस्तुजू का फर्क, जुस्तुजू तलब तड़प। इल्म के लिए अगर तड़प होना, इल्म के लिए अगर जुस्तुजू होना, इल्म के लिए अगर एक चाहत होना, तो कभी इंसान इल्म से महरूम नहीं रहता, इंसान को एक बड़ा मकाम जरूर मिलता, अल्लाह ताला उसको एक अजीम मकाम पर फायज करता है। सिर्फ इल्म की तड़प मौजूद, इल्म उसे जरूर हासिल होता है, सिर्फ इल्म की जुस्तुजू। और अगर ना हो तो दुनिया के बड़े बड़े उलूम के समंदर मौजूद होने के बावजूद इंसान उससे एक खतरा भी फायदा नहीं उठाता, अगर तड़प नहीं, सिर्फ तड़प का वक्त। याद रखिए, मैं यह मानता हूं कि मुझे भी अल्लाह ताला ने देखने की कुव्वत दी है, आपको भी देखने की कुव्वत, सारे हवास खमसा मेरे भी वही है जो आपके पास है, उस फकीर के पास जो बाहर मांगता मिल रहा है उसके पास भी वही, मगर जुस्तुजू अलग अलग, तड़प अलग अलग, मेहनत अलग अलग, नताइज अलग अलग। जैसी तड़प होगी वैसे नताइज, जैसी जुस्तुजू होगी वैसे वैसे उसका रिएक्शन मिलेगा, वैसे नताइज मिलेगा। याद रखिए दुनिया के अंदर नताइज के दर्जे हैं, दुनिया के अंदर नताइज के दर्जे हैं, जुस्तुजू के दर्जे हैं, मेहनत के दर्जे हैं, इसी वजह से इल्म के भी दर्जे, इसी वजह से इल्म के भी दर्जे हैं। जितना मेहनत होती है, जितनी जुस्तुजू होती है, इतने इल्म अल्लाह ताला उसको अता करता है, और जुस्तुजू नहीं होती, तड़प नहीं होती, तो फिर इल्म नहीं होता। दुनिया में बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद, बड़े बड़े नाम मौजूद, हुजूर की मजलिस में सहाबा बैठे हैं, इल्म की तड़प है तो उलूम हासिल कर रहे हैं, इल्म की तड़प है तो उलूम हासिल करते हैं, और उलूम को सिर्फ हासिल ही नहीं करते बल्कि दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे उलूम की इजादात करते हैं कि आज तक दुनिया उसको उससे फायदा उठाती। और ऐसे भी शख्स थे जैसे अबू जहल, अबू जहल इल्म के समंदर के होते हुए भी इल्म से जर्रा बराबर भी फायदा नहीं लिया, इल्म से जर्रा बराबर भी फायदा नहीं लिया। तो मेरे प्यारे अजीज साथी हो, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे तालिबे इल्म यहाँ पर आते हैं, सीखते हैं, जुस्तुजू होनी चाहिए। याद रखे मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि देखे मेरे भी हवास खमसा ऐसे ही है जैसे आपके, मेरे भी हवास खमसा ऐसे ही है जैसे आपके हैं। वो बच्चा भी सुन रहा है जो माइक मोबाइल में लगा हुआ, वो भी सुन रहा है जो दूसरे कामों में मसरूम है मेरे इस लेक्चर को, वो भी बच्चा सुन रहा है, वो भी स्टूडेंट सुन रहा है जो दूसरे कामों में मसरूम है, और वो भी सुन रहा है जिसके अंदर जुस्तुजू है या इल्म हासिल कर रहा है। यार ऐसा ना हो उस्ताद की बात को लिख लिया जाए, ऐसा ना कोई जाया हो जाए, तो वो भी सुन रहा है जो छालियां मुंह में चबा रहा, वो भी सुन रहा है जो एक दूसरे से बातें करने में लगा। इसी वजह से जब यहां से मैं लेक्चर को वाइंड अप करूंगा, मैं अपने लेक्चर को खत्म करूंगा,
उसके बाद आप हर एक से पूछ ले उसने कितना हासिल किया, हर एक के पास अलग अलग पॉइंट। साथी और दोस्तों जस्तजू तड़प, अगर ये पैदा हो जाए तो इंसान दुनिया में बड़े बड़े मकामात हासिल करता। अगर तड़प पैदा हो जाए तो दुनिया में इंसान बड़ी बड़ी इजादात करता। सेब तो लाखों हाथों ने गिरते हुए देखे होंगे, न्यूटन से पहले सेब कितने लोगों ने गिरते हुए देखे होंगे, कितनी आंखों ने गिरता हुआ देखा होगा, मगर किसी ने ये नहीं सोचा, किसी ने ये अंदाजा नहीं किया, किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि यार ये कोई ताकत है जो सेब को अपनी तरफ खींचती। न्यूटन ने उस पर सोचा, रिसर्च तड़प उसके अंदर मौजूद थी, दुनिया को कानून दे दिया। आज तक दुनिया उस कानून से फायदा उठा, उस कानून की वजह से इजादात होती, उस कानून की वजह से आपको न्यू इन्वेंशन दी जाती, आपके लिए रहनुमाई फराहम की जाती। तो ये इल्म होता है जो दुनिया के अंदर हजारों साल तक आपके अफकार को जिंदा रखता। एक अहम चीज है और जिसके अंदर पैदा हो जाए तो वो मकामात हासिल कर लेता है। तारीख में बेशुमार वाकयात जिक्र होते हैं, बड़े बड़े उस्ताद का जिक्र है। तारीख में एक उस्ताद गुजरा है जिसका नाम सुकरात, जिसको सुकरात के नाम से याद किया जाता है। इसके बारे में आता है कि इसके पास इतना इल्म था कि जो इससे जिस इल्म के बारे में सवाल करता था ये उसका जवाब दे देगा, इतना इल्म इसके पास मौजूद था। इतनी ज्यादा इल्म का खजाना इसके पास मौजूद था, जो जैसा इल्म के सवाल चाहता था वो लेकर इसकी इसकी क्लास से जाता था, इसके दरसगाह से जाता था। एक मर्तबा इसके शागिर्द ने एक सवाल कर दिया, उस्ताद ये बताइए कि आपके पास इतना इल्म कैसे आया, आपने इतना इल्म कैसे हासिल किया। उस्ताद ने कहा कि ये अभी यहाँ पर नहीं बता रहा, तुम कल फला जगह नहर पर आना, वहीं पर मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। पहुंच गया शागिर्द, पहुंच गया, सलाम किया, सलाम वालेकुम। उस्ताद ने जवाब दिया, कहा उस्ताद मेरा सवाल था कि आपने इतना इल्म कैसे हासिल किया कि जो जैसा सवाल करता है आप उसको वैसा जवाब दे दो, वैसा इल्म के खजाने से उसको भरावर कर दे दो, इतना इल्म आपके पास कैसे। उस्ताद ने कहा नहर में आओ, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ, मेरे साथ आओ। वो नहर में उतर गया। उस्ताद ने पूछा बताओ तो अपना सांस कितनी देर रोक सकते। उसने कहा 5 मिनट, चंद सेकंड। सुकरात ने कहा कि रोको, उसने अपना सांस रोका और नहर में बैठ गया। जब सांस टूटने लगा, 5 मिनट पूरे हो गए, तो उसने उठने की कोशिश की, सुकरात ने और दबा दिया, उस्ताद ने दबा दिया, वो और जोर लगाता उठने की कोशिश करता, उस्ताद और दबा, वो और चाहता कि मैं यहां से निकल जाऊं, निकल अपने सांस को बाहर करूं, वो और दबाता। जब उसने देखा कि मैं निकल नहीं सकता आसानी से, उसने जान लगाकर निकला और कहा उस्ताद माफ कीजिए, आइंदा ऐसा सवाल नहीं करूंगा जिसकी एवज मुझे अपनी जान देनी पड़े, जिसकी विज मुझे अपनी जान देनी पड़े। उस्ताद ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा था, मैंने अपने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया। शागिर्द ने कहा कैसे। उस्ताद ने कहा सुनो, मुझे बताओ कि जब तुम पानी के अंदर थे और तुम्हारी सांस टूटने लगी, बाहर निकलना चाहते थे, मैं दबाता था, तुम्हारी कोई ख्वाहिश थी क्या, तुम्हारे अंदर ये ख्वाहिश थी कि मुझे डॉक्टर, मैं दुनिया का बड़ा काबिल इंसान बन जाऊं, क्या तुम्हारे अंदर ये ख्वाहिश थी कि मेरे पास दुनिया के खजाने हाथ लग जाए, दुनिया का दौलतमंद इंसान बन जाऊं, क्या तुम्हारे पास ये ख्वाहिश थी कि तुम्हारे पास मर्सिडीज हो, गाड़ियां हो, नौकर चाकर। उसने कहा उस्ताद कोई ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि किसी तरह से यहां से बाहर आ, किसी तरह से मैं अपने सांस को बाहर कर दूं। उस्ताद ने कहा, सुकरात ने कहा कि सुनो, जिस तरह तुम्हारी इस लम्हे ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैं अपने सांस को बाहर कर दूं, इसी तरह मेरी हर लम्हे ये ख्वाहिश होती है कि किसी तरह से मैं इल्म हासिल करूं, हर लम्हा मेरी ये ख्वाहिश होती है, हर वक्त मैं यही सोचता हूं कि यार किसी तरह से इल्म हासिल करूं। तो मेरे प्यारे अजीज साथी और दोस्तों, जब जस्तजू होती है तो फिर इल्म के दरिया से बहरावर की कर दिया जाता है, इल्म के दरियाओं से नवाजा जाता है, इल्म के समंदरों से
बराबर कर दिया जाता है अगर जस्तुजु हो अगर तलब हो अगर सच्ची हकीकत तलब दिल के अंदर मौजूद। एक और उस्ताद गुजरे हैं जिनका शागिर्द उनके इंतकाल के 800 साल बाद पैदा होता है और उस उस्ताद के बारे में तो हम ज्यादा नहीं जानते मगर उनके शागिर्द को ज्यादा जानते हैं उनके शागिर्द से ज्यादा वाकिफ है। अल्लामा इकबाल अपने उस्ताद का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि अगर अगर जलालुद्दीन रूमी नहीं होते तो आज मैं इस हालत में नहीं होता मैं इतने इनसे बहरावर नहीं होता। अपनी किताबों के अंदर जिक्र करते हैं कितने साल पहले गुजरे 800 साल पहले गुजर गए मगर शागिर्द के अंदर तलब थी जस्तुजू थी तो इल्म हासिल कर लिया उनकी इनसे फायदा उठा लिया। उस्ताद मौजूद नहीं है उस्ताद को गुजरे हुए 800 साल का अर्सा गुजर गया मगर उस इल्म से भी फायदा उठा लिया। तो मेरे प्यारे अजीज साथी और दोस्तों दुनिया जस्तुजू रखने वाले से फायदा हासिल करती है जस्तुजू रखने वाला इल्म की तलब रखने वाला खुद भी बहरावर होता है दुनिया को भी बहरावर करता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।